अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माशाल्लाह तकरीबन दोपहर के 1 बज रहे हैं और हमारा सेटअप शुरू हो गया लगना। अभी देखेंगे लड़के सेटअप वगैरह लगा रहे हैं और अभी मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ किस तरीके से सेटअप लगता है, क्या क्या चीज़ें साफ करनी पड़ती हैं, क्या क्या काम करना पड़ता है और कितनी मेहनत लगती है इस काम में। मैं सब आपके 7 दिन की रूटीन आज शेयर करता हूँ, फिर इंशाल्लाह रात की रूटीन जैसे रात का काम होता है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों लड़कों ने काम स्टार्ट कर दिया है। अब सबसे पहले कवर वगैरह कुर्सियाँ खोल के कवर चढ़ाते हैं और उसके बाद दूसरी रूटीन होती है और चाय भी आ गई है भाई, चल के चाय भी पीते हैं। और यहाँ पे सेटअप बार लग रहा है माशाल्लाह, ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है सेटअप को सेट करने में और सफाई वफाई करके तकरीबन 2-3 घंटे लग जाते हैं, यानी कि अगर 1 बजे शुरू करें तो 4 बज जाते हैं हमें। तो अभी चाय पीते हैं और ये देखें 30 रुपये की हो गई है गाला, इसमें 10 बिस्किट होते हैं भाई। मैं शुरू से गाला खाता हूँ और चाय का कप, चाय दूध पत्ती होती है माशाल्लाह। और ये देखेंगे 30 रुपये की गाला हो गई है और सेटअप माशाल्लाह हमारा लग रहा है, लड़के काम कर रहे हैं। और ये देखें शीशे वगैरह जो भी होते हैं इस तरीके से सेटिंग करके सफाई वफाई और नीट एंड क्लीन किया जाता है सेटअप को ताकि बेहतरीन लुक आए। और कुर्सियाँ वगैरह सेट करके फिर सेटअप रेडी किया जाता है, डिशेज होती हैं उनको साफ किया जाता है और स्पून चम्मच क्रोकरी बहुत सारे आइटम्स जो शादी हाल से वाबस्ता होते हैं उनको सेट करके उसमें काम किया जाता है, क्योंकि जब पार्टी आती है तो उसको हर चीज़ रेडी करके देना पड़ता है। और ये देखें सफाई हो रही है फुटपाथ की, एक बंदा सुबह उठते के साथ ये फुटपाथ की सफाई करता है, धुलाई वगैरह करता है। और ये दोपहर की रूटीन है, इस वक्त धूप ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत तेज़ धूप, कड़क धूप है, जितनी गांव में गर्मी थी उससे ज़्यादा गर्मी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। और अभी लड़के खाना खा रहे हैं, देखते हैं कि लड़कों ने क्या पकाया है और क्या खा रहे हैं भाई, क्योंकि दोपहर का खाना मैं तो नहीं खाता, मैं कुछ दूसरी चीज़ खा लेता हूँ, फ्रूट वगैरह खा लेता हूँ या कोई ऐसी चीज़ मंगवा के खा लेता हूँ। अभी देखते हैं लड़कों ने क्या क्या पकाया है। कढ़ाई में आलू और ये देख रहे हैं आप, अपने आप लाइव कढ़ाई थी उसमें जो है आलू मिला के, लाइव कढ़ाई में आलू मिला के आपने कढ़ाई तैयार की है, घर वाली कढ़ाई। और ये स्टाफ बैठे हुए हैं माशाल्लाह हमारा खाना खा रहा है। और ये कोक के क्रेट आ गए हैं क्योंकि कल हमारे पास पेप्सी और सेवन अप थे और आज जो है ना हमारा जो ऑर्डर है वो कोक और इसका है स्प्राइट का, ये लगा दिए हैं डीप फ्रीजर में। और ये कुर्सियाँ वर्सियाँ बाहर निकलवाई हैं मैंने क्योंकि मैं कमरे की सफाई करवा रहा हूँ ऑफिस की, डस्टबिन वगैरह सामान जो भी है, लड़के सफाई वफाई कर रहे हैं अभी। और 3 बजने वाले हैं भाई, 3 बजने वाले हैं और अभी तक हमारा काम चल रहा है, तकरीबन 4 बजे हमारा काम। तो आज की आपने माशाल्लाह रोटेशन हमारे देख ली, रूटीन देख ली कि हमारा किस तरीके सेटअप लगता है, किस तरीके से काम वगैरह होता है, पूरा सेटअप आपने माशाल्लाह आज देख लिया था। तो अभी भी पार्टी हमारे तकरीबन रात के 1 बज रहे हैं, पार्टी खत्म हो चुकी है क्योंकि पार्टी को निकलते निकलते भाई 1 से 11 बजे वैसे लास्ट टाइमिंग है, लेकिन 12 बज जाते हैं। तो भाई ये अभी चौकीदार भी फारिग हुआ है बाहर के गार्डन के, देखें शाम में क्या हालत होती है और अभी क्या हालत हो जाती है और हमारी हालत खुद देखेंगे क्या हो जाती है जब टाइम ओवर हो जाता है, तो टाइम ख़राब ही हो यानी कि ओवर हो जाता है तो कंडीशन हमारी ख़राब हो जाती है, क्योंकि अभी हम बिस्तर पे सोने ही जा रहे होते हैं
अभी यहाँ पे पार्टी चल रही है बराबर में, अभी तक मेहमान इनके बैठे हुए हैं और माशाल्लाह हमारी पार्टी निकल गई, फिर भी शुक्र अल्लाह का। ये बस उधर डस्टबिन है ना, उधर ये काम वाला कपड़ा, ये काम खत्म हो गया, अभी काम खत्म करने हैं, अभी 10-15 मिनट चलेगा, 10-15 मिनट चलेगा, अभी चलेगा ये। चलो चलो सही है, ये पहुंचाओ, कहाँ पहुंचाओगे ये कचरा? सही है, ये उठा के मैं जा रहा हूँ डस्टबिन पे फेंकूंगा। डस्टबिन नहीं, डस्टबिन पे। चलो चलो सही, हाँ भाई। यासीन कब जा रहे गाँव? यासीन कल जाएगा, छुट्टी ले लिए साहब से भी, छुट्टी ले ली। अच्छा, भी और साहब ने उसको खर्चा भी दे दिया। अच्छा, कल जाएगा तो 10,000 पहले दिए थे 8 तारीख को, 5 और मिल गए अभी दिए। चलो चलो सही, 3-4। और ये बर्तन धो रहे हैं, आपको पता है कि इतनी सारी प्लेटें धोना आसान नहीं होता। ये देखे कितना बर्तन है, बेचारे धो रहे हैं। ये देख, ये इस गर्मी में बेचारे काम कर रहे हैं, हालत देखो कितनी कितनी गर्मी है। और इस वक्त गैस नहीं आती तो ज्यादा सिलेंडर से हम काम चला रहे हैं, ये सिलेंडर पूरा चल रहा है, इसके गैस पे काम चला, यानी डबल मेहनत हो रही है। तो ये देखिए ये बर्तन वर्तन पड़ा हुआ है, तो अभी इनको एक घंटा लग जाएगा। और ये प्लेट है साफ, उधर से धुलाई करते निकाल रहे हैं और यहाँ पे सफाई वगैरह हो रही है। तो भाई अब थक चुके हैं और नींद भी आ रही है, और अपना क्योंकि तो दोस्तों थक चुके हैं, अभी नींद भी आ रही है और काम तकरीबन लड़कों का आधे घंटे का रह गया है, ये बेचारे जब तक करेंगे काम। और मैंने कहा है कि भाई आप बिस्तर लगाएं ताकि मैं सो जाऊं, क्योंकि फिर सुबह तकरीबन 12 बजे उठना होता है और फिर की आगे की रूटीन देखनी होती है, सुबह की चाल देखनी होती है, सुबह कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर देना होता है और सुबह के माहौल को देखना होता है, क्या काम करवाना है क्या नहीं करवाना, सारी चीजें देखनी होती हैं। तो अभी व्लॉग का कर रहे हैं एंड, इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग के साथ कल मिलेंगे और कोई नई रूटिंग आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ के हवाले से। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।